हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में ऑटो फिल का यूज करके अटेंडेंस रिकॉर्ड करना और पेरोल एंट्री पास करना, सैलरी की डिटेल बनाना, ये हम सीखेंगे पेरोल बाउचर में जाकर के। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूं। ये हमारा टैली प्राइम है। यहां पर रितेश सिंह नाम से एक कंपनी बना रखी है हमने। आपकी कंपनी जिस भी नाम से हो आप उसको ले सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं, यहाँ पे करेंट पीरियड दिया हुआ है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ठीक है। अभी यहाँ करेंट डेट जो है 1 जुलाई 2021 शो कर रही है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। वी प्रेस कर लेते हैं बाउचर में जाने के लिए। बाउचर में आ गए। अब यहां पर हम हैं अटेंडेंस में, यानी कि पेरोल में दो चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। अगर आप यहां से अदर बाउचर में जाते हैं F10 प्रेस करके, तो पेरोल बाउचर्स के अंतर्गत दो चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। पहला है अटेंडेंस और दूसरा है पेरोल। तो अभी हम अटेंडेंस वाले में हैं, तो यहां पर हमें अटेंडेंस वाले में ही रहना है, ठीक है। तो यहां पर अटेंडेंस में आ गए हम। महेश एक इंप्लॉई हमने पहले से क्रिएट कर रखा है। अगर आप कोई दूसरा इंप्लॉय क्रिएट करना चाहते हो तो यहां क्रिएट पर चले जाइए। क्रिएट पर जाने के बाद यहां पर कोई दूसरा इंप्लॉय बनाते हैं, लाइक मैं यहां लिख देता हूं जहीर, ठीक है। इंप्लॉय का नाम एग्जाम्पल के तौर पर यही लिख दिया हमने। एंटर प्रेस किया। यहां पर जो डेट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी क्या है, वो यहां पर आएगी। फिर यहां इनकी सैलरी डिटेल को डिफाइन करना होगा आपको, तो ये सैलरी की डिटेल डिफाइन कर दीजिए। मैंने बेसिक सैलरी पहले से बना रखा है, बेसिक सैलरी लगा दिया। इनकी बेसिक सैलरी है 25,000 रुपए, ठीक है। ये 25,000 हमने यहां पे दे दिया। इसके बाद इनको जो टीए मिलता है वो मिलता है 2,000 रुपए, ठीक है, फ्लैट रेट से मिलता है 2,000 रुपए। इसके बाद यहां पर डीए मिलता है इनको, तो डीए मिलता है 1,500 रुपए, तो ये हमने दे दिया, ठीक है। इसके बाद यहां पर कुछ टीडीएस भी इनका कट जाता होगा, तो ये टीडीएस जो है ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा। यहां पर इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब यहां पर एम्प्लॉय का नंबर डालना है आपको। एम्प्लॉय का नंबर डाला। डेजिग्नेशन ये क्या है, क्या काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मैनेजर, कुछ इस तरीके से ये लिख दिया। एंटरप्रेस किया, नीचे आए। फंक्शन क्या है, मैनेजर का ही फंक्शन है, तो यहां पर मैनेजमेंट कर देता हूं। तो मैनेजर का फंक्शन जो है मैनेजमेंट होता है, ठीक है। लोकेशन देवरिया कर देता हूं, आपका जो भी लोकेशन हो वो आप डाल सकते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। जेंडर मेल है ये, मेल कर दिया हमने। यहां पर डेट ऑफ बर्थ इनकी डाल देते हैं 1/5/1990, ठीक है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पे डाल दीजिएगा आप। ब्लड ग्रुप जो भी है अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो अननोन कर देते हैं। मदर्स नेम फादर्स नेम जो भी है इनका दे दीजिए। तो यहां पर मिस्टर आलम कर देते हैं, इस तरीके से कोई भी नाम एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं। एड्रेस यहां पर डाल देता हूं, न्यू कॉलोनी देवरिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी लिख देना है, न्यू कॉलोनी देवरिया। और ये देने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करिए। अगर बैंक की डिटेल देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। यहां पर पैन नंबर डालना है आपको, तो मैं एक डमी पैन नंबर डाल देता हूं यहां पर, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए। बाकी आधार नंबर और पीएफ अकाउंट नंबर और वगैरह वगैरह ये सब चीजें आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर दो कैटेगरी प्रेजेंट, अगर आप पॉजिटिव अटेंडेंस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो प्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज एब्सेंट कर सकते हैं। तो चलिए एब्सेंट कर देते हैं। यहां वैल्यू में 1 दे देते हैं, ठीक है। यहां पे 1 दे दिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ऐसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये ऑटो फिल करना, ठीक है। अब देखिए ऑटो फिल वाली बात थी, तो यहां ऑटो फिल पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहां पर ऑटो फिल नाम की एक विंडो ओपन हो जाती है। यहां पर ऑटो फिल पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर 1/7/2021 बाउचर डेट जो है ये दिखा रहा है, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिएगा। यहां पर हम जहीर की बात कर रहे थे, तो ये जहीर लगा दिया हमने। और यहां पर एब्सेंट है, तो यहां एंटर प्रेस करता हूं। एम्प्लॉई नेम के हिसाब से हमें करना है, ये हो गया। तो ये जो है अटेंडेंस वाली डिटेल हो गई। अब यहां पर वापिस से आते हैं अदर बाउचर पे और हमें चलना है अब कहां, पेरोल में आना है, यानी कि पेरोल अब हम एंट्री पास करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर आ रहा है अकाउंट, ये सिंगल एंट्री मोड है, आप चाहे तो डबल एंट्री मोड में भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ कैश में हम सैलरी इनको पे करेंगे, जो भी पे करना है हमें। यहाँ पे बेसिक सैलरी की बात आएगी, तो इनकी थी 25,000 रुपए, जैसा कि आपको याद ही है हमने बनाया था, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, यहां पर आते हैं। तो यहां पर इनका टीए था 2,000 रुपए, ठीक है। तो ये 2,000 रुपए टीए दे दिया हमने, एंटर किया। यहां पर डीए इनका था वो 1,500 रुपए था, तो यहां 1,500 रुपए कर देते हैं, ठीक है। जो भी आपको देना है यहां पे दे सकते हैं, कम अधिक भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद टीडीएस था, तो यहां पे टीडीएस भी आ जाएगा, तो टीडीएस यहां पर मैं 2,000 रुपए कर देता हूं, ठीक है। एंटरप्रेस किया। इस तरीके से ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंटरप्रेस करेंगे। अब मान लीजिए कि किसी और इंप्लॉय का होगा तो आप और इंप्लॉयज भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही रखता हूं। और यहां पर सैलरी गिवन टू मिस्टर जहीर, ये लिख दिया ZAHIR, ये लिख दिया हमने। एंटर प्रेस किया। तो ये एक्सेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका हमको प्रिंट आउट देखना है, तो यहां से 2 बार D प्रेस करेंगे तो आ जाएंगे यहां पर। और यहां पर आप देख सकते हैं ये हमने बनाया है जहीर। ये एब्सेंट की डिटेल है,
प्रेजेंट वाली डिटेल जो हमने रिकॉर्ड की थी दो दिन, और यहां पर जहीर की पूरी डिटेल है। तो यहां पर देखेंगे तो इनकी सैलरी इस तरीके से कुछ आई हुई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सैलरी आई हुई है। अब ये जो है, अगर इसका आपको प्रिंट देना है तो अल्ट पी करके प्रिंट दे सकते हैं, ठीक है। आई बटन प्रेस करेंगे, प्रीव्यू आपको दिख जाएगा, और ये प्रीव्यू कुछ इस तरीके का आएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। यहां से बाहर आते हैं, अगर आपको पे स्लिप देखना है तब क्या करेंगे, पे स्लिप के लिए कहां जाएंगे? तो पे स्लिप के लिए बिल्कुल आपको यहां से पहले तो आप गेटवे ऑफ टैली पर आइए, फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइए। फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के बाद यहां पर आपको दिखेगा पेरोल रिपोर्ट्स, तो यहां पे क्लिक कर दीजिए और आपको पे स्लिप ऊपर ही नजर आ रही है, यहां पर जा सकते हैं। और यहां पर जहीर की जो पे स्लिप है वो कुछ इस तरीके से आई हुई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इनकी ग्रॉस सैलरी 27,500 बनी हुई है, और जो 2000 टीडीएस था वो डिडक्ट हुआ है, जिसके चलते यहां पर 26,500 इनकी सैलरी बनी है, ठीक है। आई बात समझ में? आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे अर्निंग इनकी शो कर रही है, ठीक है। डिडक्शन क्या हुआ है, 2000 रुपए टीडीएस का हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो अल्ट पी करके एंटर प्रेस कीजिए और आई बटन प्रेस कर दीजिएगा, तो इनकी सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगी। तो ये इनकी सैलरी स्लिप है, पे स्लिप है, देख सकते हैं। यहां से आप पे स्लिप भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।